दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार अजय देवगन अपनी आ चुकी फिल्म भोला को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसने भैया आज फाइनली अपना 13वां दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो भाई भोला के लिए 13वां दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा? इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस से कैसा ऑक्यूपेंसी रेट मिला और आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन कर सकती है, ये सारी जानकारियां अब मैं दूंगा आपको। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आज भोला ने ऑलमोस्ट अपना 13वां दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है और भाई 13वें दिन भी इस फिल्म को जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेट मिल रहा है उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई भोला बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकालने में कामयाब भी रहेगी और ये फिल्म भाई हिट फिल्म होने का तमगा भी हासिल करेगी। तो भैया इस फिल्म को लेकर आज ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के 3D वर्जन को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 5.57% का। उसके बाद आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 8.80% का। और उसके बाद भैया इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है 3D वर्जन में वो आंकड़ा है 9% का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म के 2D वर्जन को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 6.94% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 9.46% का और इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है 2D वर्जन में वो आंकड़ा है 8.18% का। यानी भैया आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये फिल्म 3D और 2D वर्जन की मदद से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का। यानी भैया आज के कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म बहुत ही आसानी से 75 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर करने वाली है। यानी भैया 75 करोड़ के जादुई आंकड़े को ये फिल्म फाइनली छूने में कामयाब होती नजर आ रही है। यानी भैया जिस फिल्म को लेकर इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही थी कुछ लोगों की मदद से कि भाई ये फिल्म एक रिमेक फिल्म है, इस फिल्म में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से इस फिल्म को फ्री में देख सकते हो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। यानी कि इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिविटी फैलाई गई, लेकिन इस फिल्म को लेकर जब हम लोगों ने ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि भैया ये फिल्म एक रिमेक मूवी है लेकिन ये फिल्म कैथी की ऑफिशियल कॉपी पेस्ट नहीं है। यानी कि इस फिल्म में आपको कई सारे ऐसे सीन्स और ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जो कि भैया आप लोगों ने नहीं देखा होगा कैथी में, और भाई ये फिल्म एक अलग ही दुनिया की तरफ अपनी कहानी को लेकर आगे बढ़ने वाली है। तो भाई इन बातों को सुनने के बाद कुछ लोगों ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने का मन बनाया और उन लोगों ने इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया कि भाई वाकई में भोला बहुत ही अच्छे लेवल पर बनी हुई फिल्म है। हाँ ये फिल्म एक रिमेक फिल्म है लेकिन इसको हम लोग पूरी तरह से रिमेक फिल्म भी नहीं कह सकते हैं। तो भाई चलिए अजय देवगन अपनी मुहिम में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि भैया वो अपनी इस फिल्म का बजट निकाल लेंगे और आने वाले दिनों में वो इस फिल्म को लेकर ये घोषणा जरूर करेंगे कि भाई जो कमी इस फिल्म में उनसे रह गई उस कमी को वो पूरा कर लेंगे भोला के पार्ट 2 के माध्यम से। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।